ओम शांति। आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो इसलिए क्योंकि जो ये दुनिया में प्यार के लिए बहुत सारी बातें कही गई कि प्रेम पूजा है, प्रेम समर्पण है, प्रेम ये है, प्रेम वो है, बट व्हाट इज़ द रियल लव? और लव को हम कैसे समझेंगे? थ्रू नॉलेज। क्योंकि जो एक बार कोई चीज़ समझ में आती है तो उसके सारे इल्यूजन, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि हम प्यार को कैसे समझें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि रियल लव है। तो शुरू करने से पहले हम 1 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं, प्यार से, निराकार परमात्मा को प्यार से याद करते हैं। वो ओशन ऑफ लव है, वो प्रेम के सागर हैं, और आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो अपने स्वरूप में मैं टिका और उस परमात्मा से मैं प्रेम की किरणों को अपने ऊपर महसूस कर रहा हूँ और मैं प्रेम स्वरूप बनता जा रहा हूँ। इस फीलिंग के साथ हम अपने आप को हील करेंगे। तो परमात्मा प्रेम का सागर और हम प्रेम स्वरूप। 10 सेकेंड उस याद में रहें। अब अबाउट लव कुछ बातें कि व्हाट इज लव एक्चुअली। यह उस व्यक्ति के लिए ध्यान देना है जो किसी के समीप है, उनके साथ अपनी भावनाएं बांटना चाहता है। यह आकर्षण की एक शक्ति है। ये लोगों को जैसे वो हैं उनकी कमियों की ओर ध्यान दिए बिना उनको एक्सेप्ट करना है। यह सार्वभौमिक होता है, ये कभी दावा नहीं करता कि वो किसी को प्यार देता है। सो इट इज़ टू पे अटेंशन टू द पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी क्लोज टू समवन, वॉन्ट्स टू शेयर हिज फीलिंग्स विद देम। इट इज़ द पावर ऑफ अट्रैक्शन। इट एक्सेप्ट्स पीपल एज दे आर विदाउट पेइंग अटेंशन टू देयर शॉर्ट कमिंग्स। सो इट इज़ यूनिवर्सल। इट नेवर क्लेम्स दैट इट गिव्स लव टू समवन का मतलब ये कभी दावा नहीं कर सकता कि वो किसी को प्यार देता है। क्योंकि हमारे लिए तो ये है कि मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, मैंने आपको इतना चाहा, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, और आपने हमको क्या इसका रिस्पॉन्ड दिया। तो प्यार कभी न चाहता है, वो सिर्फ देता है। और बिना सबकी कमियों को एक्सेप्ट करके, उनकी शॉर्ट कमिंग्स को हटा के, उनको जो देना है वो देता है, उसको रियल लव कहते हैं। ये हो गई प्यार की गहरी डेफिनेशन। अब इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अब 4 इल्यूजन्स अबाउट लव, प्रेम के बारे में या प्यार के बारे में या लव के बारे में गहरी ऐसी 4 भ्रांतियां हैं, 4 इल्यूजन्स हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं। उनको लगता है यही प्यार है। बेसिकली इल्यूजन का मतलब उनको लगता है प्यार है बट वो प्यार नहीं होता। तो प्रेम के बारे में 4 भ्रांतियां जिनको हम बचपन से अपना लेते हैं, वो अनजाने में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। तो दे आर 4 कॉमन मिसकनसेप्शंस अबाउट लव विच वी अडॉप्ट सिंस चाइल्डहुड। इट गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इज अननोन। दे फिट इन टू आवर लैंग्वेज एंड कल्चर, लेटर दे क्रिएट टेंशन इन साइड। का मतलब ये हमारे अंदर क्या पैदा करती हैं? तनाव। क्योंकि उनको लगता है कि यही लव है। तो 4 भ्रांतियाँ क्या हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे और गहराई से समझेंगे कि 4 ऐसे कौन से इल्यूजन्स हैं जिनको हम प्यार समझते हैं बट वो प्यार है नहीं बेसिकली। अब पहला है मिस्टेक फॉर डिज़ायर का मतलब, पहला है कोई इच्छा के रूप में भूल। प्यार को लोगों ने सोचा कि ये, अब जैसे कोई डिज़ायर किसी के लिए उत्पन्न होती है, किसी के लिए कोई इच्छा उत्पन्न होती है। अभी हम कल भी डिज़ायर की बात कर रहे थे कि कोई भी इच्छा है तो आपको इसका मतलब उसका फल चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट ना मिले तो आपको दुख मिलेगा। तो जब कोई व्यक्ति कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अब सच्चा प्यार ना तो चाहता है ना अटेन करना चाहता है, वो प्रेम को चाहता ही नहीं। तो वेन समवन सेज आई लव यू, दैट इज़ आई वॉन्ट यू, तो द अदर वन ऑल्सो आंसर्स आई वॉन्ट यू टू, आई हैव फाउंड यू। बट ट्रू लव नाइदर वॉन्ट्स नॉर रिसीव्स। ट्रू लव डजेंट वॉन्ट एनीथिंग। सो ट्रू लव क्या करता है? सिर्फ देता है, सिर्फ देता है। वो कभी किसी से कुछ नहीं चाहता।
जहाँ चाहना है वहाँ पर डिमांड है, वहाँ पर दुख है। ये तो बात हुई, इच्छा है ना, चाहना माना इच्छा, और वो इच्छा आपको कंप्लीट नहीं बनने देगी। वो इस दुनिया की कुछ चीज़ें आपको चाहिए फल के रूप में, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, वो नहीं मिलने वाला। तो हम देने के लिए बने हैं, तो पहला मिस्टेक फॉर डिज़ायर का मतलब इच्छा के रूप में भूल। कोई कहता है आई लव यू टू, ये सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कोई ना कोई डिज़ायर है एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पर है प्रेम सच्चा जो होता है, वो कभी किसी से कुछ चाहता ही नहीं। जैसे दुनिया में आपने देखा होगा बहुत सारे प्यार हैं जो जिनका इतिहास में वर्णन है, इतिहास उनको याद करता है, लेकिन आज बहुत लोग इधर उधर भी आपको दिख जाते हैं प्यार करते हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता, क्योंकि उस समय का प्यार कहा जाता रूहानी था, आज का प्यार जिस्मानी है। मतलब लोग बॉडीली अफेक्शनेट होते हैं एक दूसरे से, कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि बॉडी इट डिकेज विद द रन ऑफ एज। जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है, हम अपने आप फिर दूसरे पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सच्चा प्यार ना तो चाहता है ना ही प्राप्त करता है, वो सिर्फ देता है। अब ये हो गया मिस्टेक फॉर डिज़ायर, इच्छा के रूप में भूल। दूसरा मिस्टेक एज अटैचमेंट। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई लव द फूड दे गिव मी, का मतलब जो भोजन वो मुझे देते हैं मैं उसे प्यार करता हूँ। कहने का मतलब कि अगर मेरा किसी भी चीज़ से अटैचमेंट है तो ये प्यार नहीं है, लगाव है। तो किसी अन्य कारण से लगाव भय पैदा करता है, और भय लगाव द्वारा बिगड़ा हुआ प्यार है। फियर इज लव इम्पेयर्ड बाई अटैचमेंट, का मतलब हमको लगता है लव है। जैसे भाई वो जो भोजन आपको देते हैं अगर वो ना हो तो, या जो भोजन बनाते हैं वो ना बनाए तो, वैसा तो एक है भोजन से अटैचमेंट और गहरा अटैचमेंट। उससे उसको हम सोचते हैं नहीं इसको, ये तो जबरदस्त प्यार है इसका, नहीं। जिस दिन अच्छा नहीं बना और जिस दिन बहुत अच्छा बना, उस दिन दोनों में बहुत अंतर आएगा। इसका दूसरा पहलू है, पहला तो मिस्टेक एज अटैचमेंट है, और दूसरा पहलू है मिस्टेक एज डिपेंडेंसी। जो भोजन वो जो दे मैं उससे प्यार करता हूँ, का मतलब जो व्यक्ति दे रहा है उससे प्यार हो गया। तो ये निर्भरता के साथ प्यार को उलझाना है, का मतलब प्यार कभी डिपेंड नहीं करता, प्यार किसी चीज़ पर निर्भर नहीं होता। अगर किसी चीज़ पर निर्भर है, किसी चीज़ पर डिपेंड है प्यार, तो क्या होगा? जब वो नहीं होंगे तो प्यार नहीं होगा। आज खाना अच्छा नहीं बना तो प्यार नहीं होगा, कल 4 दिन बाद अगर कुछ और गड़बड़ हो गया तो फिर प्यार खत्म हो जाता है। इसीलिए तो देखो ना, हर दिन हमारे प्यार के, आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, मैं अगर ऑफिस से घर आया तो आपने मुझे पूछा नहीं कि चाय बनी कि नहीं। मतलब मैं पूछना आपके लिए चाय बनाना, ये प्यार की निशानी नहीं है, वो तो हमको देना है। फ्रॉम आई एम डूइंग फॉर द लव ऑफ डूइंग, कोई भी हमको चीज़ आपसे नहीं चाहिए। तो प्यार किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। वास्तव में हम विश्वास करते हैं कि इन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, भोजन से खुशी थोड़ी मिल रही है, भोजन तो शरीर को चलाने के लिए, लेकिन जो भोजन वो मुझे देते हैं, तो निर्भर हो गया प्यार, डिपेंड नहीं करता प्यार। भोजन है तो भी प्यार है, नहीं है तो भी प्यार है, प्यार और भोजन का कोई कनेक्शन नहीं है। तो आई लव द फूड दे गिव मी, सो इट इज़ टू कन्फ्यूज लव विद डिपेंडेंस। लव डजन डिपेंड ऑन एनी थिंग, इन फैक्ट वी बिलीव दैट दीज थिंग्स मेक अस हैप्पी। हमको ऐसा क्या है, मिसकंसेप्शन है हमारे अंदर, ये उलझाने वाला एक भाव है कि इसको हम प्यार कहते नहीं। एक है जो भोजन वो देते मैं उसे प्यार करता हूँ, एक है जो भोजन वो मुझे देते मैं उससे प्यार करता हूँ। दोनों में देखो कितना अंतर है। तो मिस्टेक है डिपेंडेंसी, निर्भर प्यार कभी निर्भर नहीं हो सकता, डिपेंडेंट नहीं हो सकता। दूसरा प्यार लगाव नहीं है। लगाव अगर, जैसे कभी आप देखते हैं कोई डॉक्टर अपने बच्चे का इंजेक्शन, अपने बच्चे का ऑपरेशन करने में कितना उसका हाथ कांपेगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट है। लेकिन जिससे वो दूर, अगर डॉक्टर की प्रोफेशन में हो और बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, तो उसका कितना अच्छी तरह से ऑपरेशन कर लेता है, बिकॉज ऑफ वो डिटैच्ड है। तो ये समझना है। और चौथा मिस आइडेंटिफिकेशन, मतलब मिसटेकन आइडेंटिफिकेशन एक वर्ड होता है क्राइम में, लेकिन यहाँ पर मिस आइडेंटिफिकेशन का मतलब मैं किसी चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करूँ, उसको भी मैं प्यार कहता हूँ। कई बार इसको लोग भावना के साथ जोड़ते हैं,
और इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि जैसे कोई कहता है मैं अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करता हूँ, का मतलब इसका मतलब राष्ट्र नहीं है तो प्यार नहीं है, यही मतलब हुआ ना। का मतलब मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया किससे, नेशनैलिटी से। अब ये प्यार नहीं, एक पहचान है। हम नेशनैलिटी के साथ अपनी पहचान कर रहे हैं जो कि गलती है। स्वयं की कोई नेशनैलिटी थोड़ी होती है। जब हम पैदा हुए तो हमको पता है हमारी नेशनैलिटी क्या है, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हम भारतीय हैं कि कहाँ के हैं। हम तो हैं बस, आए जहाँ वहाँ के बन गए। तो हमने जैसे जिस जिस चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई किया, चाहे किसी व्यक्ति से, चाहे किसी वस्तु से, चाहे किसी भी ऐसी भावना से, तो आपको क्या होगा, दर्द होगा। जैसे आज क्रिकेट मैच लोग देखते हैं, उसमें इतना गहरा अटैचमेंट उनका उनका, अगर वो खेल देखते तो मज़ा लेते, लेकिन वो व्यक्ति को देखते हैं। जैसे अगर किसी खिलाड़ी से उनका गहरा अटैचमेंट है, उनका भारत कहते नहीं आई लव माई कंट्री, आपको इसका मतलब भावना नहीं, भावना है भाई। आप खेल हो रहा है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। खेल का मतलब एक हारेगा एक जीतेगा, तो आप खेल को एंजॉय करो ना। आप तो व्यक्ति के साथ अटैचमेंट हो गई हमारी। अगर वो खेलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं खेलेगा तो बुरा लगेगा। दूसरा देश अगर हारता है तो आपको कहते हैं बड़ा अच्छा है, अपना देश अगर हारता है तो कहते हैं कि बड़ा बुरा है। का मतलब ये आपको क्या लगता है, ये क्या है, प्यार है? ये आपका आपका इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, ये कंप्लीट नहीं है। प्यार कभी भी हमेशा है, रहेगा। उसको किसी के साथ हम जोड़ नहीं सकते। रॉन्ग इमेज के साथ अटैचमेंट ही हमको ईगो पैदा करता है। देश भावना के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ के साथ अगर वो भावना हो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे आप। मतलब ध्यान रखना है, मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है नेशनैलिटी के साथ। मैं तो जब पैदा हुआ तो ही प्रेम से भरा हूँ, तो मैं जहाँ हूँ वही, पूरा वर्ल्ड हमारा नेशन है ना, पूरे वर्ल्ड के हम होने चाहिए। जो भी खेल रहा है, सभी गेम खेल रहे हैं ना, सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, सभी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जो खेलेगा अच्छा वो जीतेगा। तो आप खेल को एंजॉय करो, ना कि व्यक्ति को एंजॉय करो। आप जब व्यक्ति से अटैचमेंट हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम खेल को कभी एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए व्हेन आई से आई लव माई नेशन, नाउ दिस टू इज नॉट लव, इट इज़ एन आइडेंटिटी। वी आर आइडेंटिफाइंग विथ नेशनलिज्म, विच इज़ मिस्टेक। वी हैव नो नेशनैलिटी। लव डज नॉट आइडेंटिफाई विथ एनीथिंग। किसी के साथ वो बॉर्न नहीं होता, वो तो है ही है। अब ये बात, ये चार आपने सुना। पहला सुना इच्छा के रूप में, डिजायर नहीं उत्पन्न करता, प्यार कोई इच्छा नहीं रखता, वो सिर्फ करता है। दूसरा, वो किसी से लगाव होना भी प्यार के लगाव से एफिशिएंसी लो हो जाती है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा इनसे लगाव है कि प्यार है। अगर उनको कुछ होता है, कोई तकलीफ होती है, फिर भी आप स्ट्रांग हैं, तो इसका मतलब आपका प्यार है, क्योंकि उनको ठीक करना है, उनको सही करना है। अगर आप रोने लग जाते हैं तो लगाव है। ऐसे तीसरा, अगर वो हैं, सारा कुछ आपका कर रहे हैं, आप डिपेंडेंसी फील करते हैं, तो आपको लगता है निर्भर हूँ। नहीं, ये प्यार की निशानी, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है, प्यार किसी पर डिपेंड नहीं करता। कोई चीज़ हो ना हो तो भी प्यार है। अगर मैं किसी के साथ अपनी पहचान कर रहा हूँ, चाहे पद है, चाहे पोजीशन है, चाहे कोई भी चीज़ के साथ अपने आप को मैं जोड़ रहा हूँ, तो वो भी प्यार नहीं है। वो भी क्या है, गलती है, ईगो है। रॉन्ग इमेज के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। आत्मा जब शरीर लेती है तो शरीर के ऊपर जो चीज़ जुड़ी, जिस जिस चीज़ के साथ, रंग रूप भाषा सबके साथ आप जुड़ते गए और उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते गए, ये तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। हर दिन बदलता है, कभी पोस्ट बदलेगी, कभी पोजीशन बदलेगी, कभी आप यहाँ से कहीं और माइग्रेट कर गए तो वहाँ चले गए, तो ये सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए हमारा, हम राष्ट्र से नहीं, हम हैं ही प्यार। तो जहाँ हम हैं, हमारे राष्ट्र ऑटोमेटिकली हमारे साथ चल रहा है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि मुझे आइडेंटिफाई करके भी किसी, कभी भी प्यार को मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्यार किसी के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है। अब प्यार को और गहराई से समझते हैं। केवल सेल्फलेस लव, बिना शर्त,
क्षमादान से प्यार अनुभव होता है। केवल अपने हृदय को खोलने और बिना शर्त अनकंडीशनल, यह भी तब फलीभूत होता है जब इंटेंशन ठीक हो, कारण ठीक हो। मतलब प्यार को किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती, इसको कहते हैं कॉजलेस लव। अगर कोई कारण से आप किसी को प्यार, और ज़्यादातर यही होता है, बेटा है रिलेशन के कारण कर रहे हैं, कोई बहू है रिलेशन के कारण कर रहे हैं, कोई किसी के साथ, कोई ब्रदर है तो रिलेशन के साथ कर रहे हैं। आपने प्यार नहीं किया, आप तो रिलेशन के साथ उसको जोड़ के, कोई ना कोई कारण है, कुछ चाहिए, लेकिन जहाँ पर चाहिए वो प्यार नहीं है। इसका मतलब लगाव है या डिपेंडेंसी है या कोई ऐसे भाव है। तो क्योंकि प्यार को कारण की ज़रूरत नहीं होती, वास्तव में कभी ज़रूरत ही नहीं। तो स्वयं से प्यार, लव योर सेल्फ। कई बार क्या होता है, हम चले जाते हैं दीवार के पास जाकर, बार बार बोलते हैं दर्पण में कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी चेंज नहीं आता। क्योंकि अगर मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया तो बॉडी के साथ देख रहे हैं, क्योंकि बॉडी उस दर्पण के अंदर दिखता है, उस आईने के अंदर दिखता है, जो हम नहीं हैं। हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो सोल हैं। तो वो तो एक नकाब है जो बार बार आप देख रहे हैं। आप जब बार बार उस चीज़ को देखेंगे तो आप किससे प्यार कर रहे हैं, आँख से, नाक से, अपने चेहरे से? ये तो अब दिन, और जब हम भी बात बोल भी रहे हैं और डर भी रहे हैं, क्योंकि हर दिन आँख आपकी थोड़ी लो होती जाएगी, सेल्स टिश्यूज मर रहे हैं ना, ऑर्गन सिस्टम धीरे धीरे लो होता जा रहा है, इसीलिए हमको घबराहट होती है, इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं कि यार इतने दिनों से मैं अपने आप के साथ जुड़ क्यों नहीं पा रहा। क्योंकि जिस चीज़ से मैं अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो ख़त्म हो रही है, रुइंड हो जाएगी। तो जो चीज़ इस दुनिया में डिस्ट्रक्टेबल है उसको खोने का डर हमको परेशान करता है। कुछ भी खोने का डर कितना बड़ा फियर है। तो फॉल्स एविडेंस हो गया। तो सबसे बड़ा ईगो तो यही है कि मैं बॉडी हूँ, आई एम नॉट अ बॉडी, दिस इज माई बॉडी। तो मैं बॉडी को बार बार देखूंगा, उसके साथ आइडेंटिफाई करूंगा, तो उससे लगाव बढ़ जाएगा। बट आप अपने आप को पावरफुल कभी नहीं बना सकते। तो परिवर्तन ना होने से बेचैनी बढ़ रही, क्योंकि गिरावट है। बॉडी हमेशा धीरे, हर दिन कम हो रहा है, हर दिन। बचपन में आप देखो आपकी फ़ोटो कैसी थी, आज आपकी देखो फोटो, ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने एक्सेप्ट किया ना, किसी भी तरह से किया, आप उसको पिछला देख के खुश तो हो जाते हैं, लेकिन किया तो सही एक्सेप्ट, चाहे जैसे किया। तो इसलिए कोई भी चीज़ को हम एक्सेप्ट तो करते जा रहे हैं गिरावट की स्थिति में होने के बावजूद भी, तो वो प्यार नहीं है, वो बॉडी के साथ लगाव है। अब देखिए रहस्य क्या है इसका, इसका सीक्रेट क्या है। सीक्रेट है, आप दूसरे से या दूसरे से तब तक नहीं प्यार कर सकते जब तक आप स्वयं को प्यार नहीं कर पाते। स्वयं कौन? मैं आत्मा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा गहराई से समझना, आई एम अ सोल, यही समझना प्यार को समझना है। मतलब मैं प्यार हूँ, ऊपरी चीज़ों से प्यार, प्यार का रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है, वो प्यार नहीं है। जैसे बाहरी चीज़ों में प्यार कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, इसलिए मैं बाहर प्यार देख पा रहा हूँ या इनके अंदर प्यार देख पा रहा हूँ। तो बाहरी चीज़ों में आपका रिफ्लेक्शन झलकता है, आप जो हैं वही बाहर देख पाते हैं। आप अगर ईगो में हैं तो बाहर आपको हर चीज़ में ईगो नज़र आएगा। अगर आप प्यार से भरपूर हैं तो हर चीज़ में आप प्यार को तलाश कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है, आईज कांट सी देमसेल्व्स, ये आँखें हैं अपने आप को देख सकती हैं, कभी नहीं देख सकती, सिर्फ क्या कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। कान अपने आप को सुन सकते हैं, ears can't hear themselves, कभी भी नहीं सुन सकते। Finger can't touch itself, ऐसे ही कभी भी अपनी उंगली दूसरी उंगली को टच नहीं कर सकती, सिर्फ फील कर सकती है। ऐसे ही जैसे, जस्ट लाइक दैट, जैसे आंखें अपनी को नहीं देख सकती, कान स्वयं को नहीं सुन सकते, उंगली स्वयं को छू नहीं सकती, ऐसे ही आप स्वयं स्वयं को प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि प्यार प्यार कैसे कर सकता है, एक ना मैं ना ही प्यार कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है। जैसे मैं हूँ ऐसे ही प्यार केवल है, एक शब्द में मैं केवल प्यार से बना हूँ, मैं प्यार ही हूँ।
आई एम अ लवफुल सोल, आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, अंडरस्टूड, मैं प्यार हूँ। इसीलिए शिव बाबा ने आके इतना सुंदर तरीके से हमारी खुद की पहचान दी कि तुम 7 गुणों से बने हुए हो, तुम्हारी सोल 7 गुणों के साथ जुड़ी हुई है। तो 7 गुण में बोला गया आई एम अ लवफुल सोल, आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, मैं प्रेम से ही बना हूँ, मैं प्रेमी हूँ। अब उसको मैं भूल गया तो मैं बाहर और चीज़ों से तलाश करके और चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई करके अपने आप को हील करने की कोशिश करता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग। थोड़ी देर के बाद फिर चेंज हो जाता है, फिर नई चीज़, फिर नई चीज़। लेकिन परमात्मा ने सही पहचान दी कि आप टोटली प्यार से बने हुए हैं, आप प्रेम स्वरूप हैं, आपका यही स्वरूप था। आज आप अपने ओरिजिनल फॉर्म को भूल करके तो बाहरी चीज़ों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके खुश होते हैं। ये गलत फहमी से हमको निकलना है, मैं प्यार ही हूँ, मुझे किसी से प्यार लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर लेना है तो शिव बाबा से, परमपिता परमात्मा से, निराकार परमपिता से प्यार महसूस करना। अब हम मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। वो प्रेम के सागर, मैं प्रेम स्वरूप, 1 सेकंड में कनेक्ट हो गए। शिव बाबा का प्यार हम सब के ऊपर बरस रहा है, हम आत्माएं उसके प्यार को महसूस करते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। खुश होते जा रहे हैं। ओम शांति। तो इस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये आज का ये जो टॉपिक इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हमारी, हम दिन भर मूड ख़राब करते हैं कि आज उनसे ये नहीं मिला, कल उनसे वो नहीं मिला। कोई भी हमें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि हमको रियलिटी नहीं पता, एक्चुअल में हम सारे जिस चीज़ से बने हैं वही बाहरी दुनिया में तलाश कर रहे हैं, और जिस चीज़ में हम तलाश कर रहे हैं वहाँ वो नहीं है। इसीलिए एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज। ओम शांति।